एक घंटा ज़बरदस्त यार, बंद कर दो यार, ये ज़्यादा चला नहीं सकते क्योंकि खाली चलाएंगे ना बैटरी, इसकी मोटर जो है इसकी जल जाती है भाई, ये 12 वाट की लगी हुई है। अच्छा ये सोगो का है मोटर, सोगो की मोटर है ना ये, बिजली का है ये। अच्छा ये क्या है, सप्लाई है इसी, जरूरी है होना। अच्छा 12 वोल्ट यहाँ से लेके 12 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देगा ये, दिखाओ। अच्छा बिजली भी चलाई है, ओहो जबरदस्त सवार ये भाई। ओए 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 भाई, चलो चलो बंद करो बंद करो, नहीं मोटर जो है इसकी जल जाती है भाई, ये 12 वोल्ट की लगी हुई है। अच्छा ये सोगो का है मोटर, सोगो की मोटर है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यार आज का जो ब्लॉग है वो है रूम कूलर के हवाले से, 12 वोल्ट जो रूम कूलर आजकल बन रहा है भाई, गर्मी की शिद्दत इतनी है तो हर इंसान चाहता है एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो रूम कूलर जो है मैक्सिमम जो है 5,500-6,000 तक में मिल रहा है। तो भाई मैं आपको विजिट करवाऊँगा, इससे पहले मैंने जो आपको दिखाया था वो 12 वोल्ट के पंखे दिखाए थे, लेकिन अभी मैं 12 वोल्ट के जो है मैं आपको रूम कूलर दिखाऊँगा भाई जो अपनी कंपनी के अंदर खुद बना के या जो बेच रहे हैं सेल कर रहे हैं, उसका चार्जर उसकी सारी कंप्लीट सामान मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरे साथ कुछ भाई बैठे हैं, मैं इनका थोड़ा काम, पहले तो ये देखें आप कि ये जो है अपना चार्जर, ये चार्जर रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर बना रहे हैं, बैटरी चार्जर बना रहे हैं भैया। ये भी रूम कूलर का है ना बैटरी चार्जर है, ये वाला भी बैटरी चार्जर है। तो गाइस मैं अभी बाहर चलता हूँ, बाहर जाके आपको दिखाता हूँ वो रूम कूलर जो भाइयों ने बनाया और उसके अंदर कितना पानी आता है, कितनी बर्फ गलती है, जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चेक करें आप, ये वो रूम कूलर है भाई जो 12 वाट से चलने वाला है, और ये जो है अपना बाइक की बैटरी से भी चल सकता है ये, और बाइक की बैटरी से ये 2.5 घंटे तक चल जाता है। तो गाइस ये चेक करें आप, ये 12 वाट की जो मोटर है ये लगी हुई है इसके अंदर। अच्छा ये जो है इन्होंने जो है भाई ये खुद बनाया ना, ये आप लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग खुद कर दो, ठीक है ये भाई ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये इसका पूरा सिस्टम बताएंगे हमारे को, ये किस तरीके से भाई ये जो है आप ये जो बना रहे हो ये इसमें कितना पानी आता है, कितना लीटर पानी आता है और कितनी इसमें बर्फ़ डलती है। 1 लीटर ज़रा सीधा तो करो, उसको कर क्या रहे हो, उसको बैटरी पर चला रहे हो, चला के दिखाओगे अभी, चलो चला के दिखाना भाई। ये भाई दिखाएंगे, मैं आपको इसका साइज़ दिखा दूँ, कोई इतना बड़ा साइज़ नहीं है इसका, छोटा सा साइज़ है। ये देखें भाई, ये अभी ये भाई जो है बैटरी पे चला के दिखाएगा ये इस रूम कूलर को, इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ये पूरा फ़ैन है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊं ये भाई जो है किस बैटरी से इसको, कौन सी बैटरी है दिखाओगे, 12.5 भाई। गाइस ये देखें आप, ये वाली जो बैटरी है ये 12.5 है, मल्टी पावर की है, जो है रूम कूलर जो है चलेगा। ये देखें भाई, ये चेक करें भाई आप, ये भाई ने लगा दिए और यहाँ देखें अब आप फुल टाइम ठंडी हवा फेंकता ही, अरे यार ये तो यकीन खाली नहीं चलाना भाई, अब चेक करें इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, अब मैं बता नहीं सकता आपको, थोड़ा चला के ज़रा इसको दिखाएंगे भाई, दिखाना और बहुत अच्छी हवा है इसकी, इससे 2.5 घंटे चल सकता ही है इस वाली बैटरी से, 1 घंटा ज़बरदस्त यार, बंद कर दो यार, ये ज़्यादा चला नहीं सकते क्योंकि खाली चलाएंगे ना बैटरी, इसकी मोटर जो है इसकी जल जाती है भाई, ये 12 वोल्ट की लगी हुई है, बैटरी का या बिजली का ही है। अच्छा ये सोगो का है मोटर, सोगो की मोटर है ना, ये बिजली का है ये। अच्छा ये क्या है, ये सप्लाई है इसी, ज़रूरी है होना। अच्छा 12 वोल्ट यहाँ से लेके 12 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देगा ये, दिखाओ। अच्छा बिजली भी चलाई है, ओहो ज़बरदस्त सवार ये भाई, ओए 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 भाई, चलो चलो बंद करो। मैं सब चेक करें कि इसका जो है कैप भी है पूरा, और इसके अंदर जो ये रखा हुआ ये क्या है मुन्ना, ये बता यार, ये वाला ये क्या है, पंप है ये, क्या करेगा पानी ऊपर फेंकता ना ये। अच्छा ये पंप है ना, अच्छा ये पानी के अंदर ही रहता है ना, ये पंप जो है पानी के अंदर रहता है, आप चेक कर सकते हो, ये पानी ऊपर आएगा यहाँ से और ये पूरा इसके अंदर आएगा यहाँ पे, ये देखना। अच्छा ये प्लास्टिक की है सारी, लकड़ी वाली घास है ना, ओहो लकड़ी की घास है सारी, आपने खुद बनाया, साल दो साल आराम से चल जाएगा। अच्छा तो गाइस इसके प्राइस मैं आपको बताता हूँ भाई से पूछकर ये कितने का दे रहा हूँ, कहाँ तक हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी जहाँ पे मैं मौजूद था भाई, बहुत अच्छी दुकान है भाई इनकी। अच्छा ये मैं आपको दिखाऊँ दुकान, गाइस ये निम्को वाली गली के अंदर आप आएंगे ना, निम्को वाली लाइन में इनकी दुकान है ये। तो गाइस ये इनका कार्ड है भाई, एहसन इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है, और ये निम्को गली के अंदर आप जब इंटर होंगे फिरदौस शॉपिंग सेंटर से, तो सीधे हाथ पे दुकान पड़ेगी है,
ये आप चेक कर सकते हैं भाई, इनका कार्ड इनसे रब्ता करें आप। इनके बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है रूम कूलर होते हैं और इसके रेट जो है मैं आपको बता देता हूँ। पूछ रहा हूँ ये बैटरी बताओ, बैटरी कितनी की भाई? जो अभी आपने दिखाई थी वही वाली है ना ये? जी ये मल्टी पावर बैटरी है। ठीक है भाई, ये मार्केट में आपको मिलेगी 3400 मैं दे रहा हूँ 3000 रुपये। 3400 उसकी वारंटी कितनी है? विदाउट वारंटी होती है, नई बैटरी होती है। कितने दिन कितने टाइम चलती है ये भाई? अगर सही तरीके से चलाएंगे साल चल जाती है, डेढ़ साल। और कितने घंटे में चार्ज होती है ये? 2 से 2.5 घंटे में चार्ज रहती है। 2 से 2.5 घंटे? 2 से 2.5 घंटे में। अच्छा, इस पे आप हम जो रूम कूलर आराम से चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, रूम कूलर इस पे चलाएंगे आप, रूम कूलर में जो मोटर लगी है ना, हाँ, वो आधा घंटा बैकअप देगी निजाम। अच्छा, आधा घंटा इसमें बैकअप। ये पंखे की नहीं है? ये पंखे छोटे पंखे होते नहीं, पंखों के लिए ये मोटर, ये बैटरी, इसमें 2 घंटे बैकअप मिलता है आपको। और रूम कूलर की नहीं, कौन सी बैटरी? रूम कूलर के लिए ये वाली बैटरी है मेरे भाई, 1650 की लाती है ये। 1650? 1650? 1650। ये बैटरी जो है ना आपको पड़ेगी मेरे भाई 6500। ये निकाल के दिखा सकते हो? ये निकाल के दिखाओ। और इसका ये, और ये जो आपकी सप्लाई जो बोल रहे थे कितने का? ये सप्लाई भाई 500 रुपये की। 500 रुपये की सप्लाई है भाई। गाइस आप चेक कर सकते हैं ये बैटरी है। सोलर क्या बोल रहे हो? सोलर पचास। ये कितने की बैटरी है? ये 6500। 6500 हमारी शॉप पे, वरना ये 7-7 की दिखती है। तो भाई ये है यहाँ के ओनर भाई, एसएन इलेक्ट्रॉनिक वाले। तो भाई इनके पास जो है बहुत सारी चीज़ें होती है माशाल्लाह से, मैं आपको दिखाऊं। और इनके पास जो है हर किस्म की बैटरी, हर किस्म के चार्जर यहाँ पे रिपेयर होते हैं। इनके पास जो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि हर चीज़ होती है इनके पास, चार्जर, बैटरी सप्लाई, ये वो। बारल भाई आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये यहाँ के ओनर है भाई, बहुत अच्छे हैं। एसएन इलेक्ट्रॉनिक नाम है, आसिफ भाई नाम है ना, एसएन इलेक्ट्रॉनिक तो है ना ये शॉप का नाम है, एसएन इलेक्ट्रॉनिक और आसिफ भाई ही है। और इनकी काफ़ी माशाल्लाह से पुरानी दुकान है ये, और ये अपना मैन्युफैक्चर बना रहे हैं यहाँ पर जो है रूम कूलर का। तो भाई इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो ये चार्जर कितने का भाई? गाइस आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से, इनका काम जो है बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर काम है भाई। इनके पास ये आसिफ भाई का, और आसिफ भाई के पास जो ये बैटरियाँ होती हैं, हर किस्म की चीज़ें, हर किस्म। इनके पास जो है भाई ये जो क्या कहते हैं चार्जर वार्जर सब रिपेयर भी हो जाता है भाई। मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ अपना, चार्जर बनाता हूँ, पहले स्टेबलाइजर बनाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची मुझे जानती है स्टेबलाइजर के नाम से। आसिफ मेरा नाम है, पावर प्लस के नाम से हमारा ब्रांड है, पावर प्लस स्टेबलाइजर। पूरे कराची में बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हैं सबको मैंने माल दिया है। अब मैंने शॉप खोली और 12 वोल्ट का काम कर रहा हूँ। सोलर प्लेटें मेरे पास होती हैं, ACDC पंखे मेरे पास होते हैं, चार्जर मैं अपना बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर हूँ मैं खुद। आपको जो भी आइटम चाहिए इंशाल्लाह रेट मुनासिब होते हैं, रिपेयरिंग वगैरह भी होती है यहाँ पर, और मुनासिब पैसों में होती है, और 2 नंबर ही नहीं है हमारे पास, जितने का काम होता है उतने ही पैसे लेते हैं। अब मैंने आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो आप आसिफ भाई से रब्ता कर सकते हैं, आप इनसे मुलाकात करें इंशाल्लाह। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ अपने ब्लॉग के अंदर, आसिफ भाई कितने का रूम कूलर है? रूम कूलर अभी हम चला रहे हैं 5000 रुपये का, विद सप्लाई और 100 का पंप। आप यकीन करेंगे 5000 रुपये चला रहे, मैंने दूसरी जगह पूछा 6000-6500 रुपये। हमने 3000-2500 में भी चलाया था, अभी पीछे से सामान महंगा हो गया, सामान महंगा लगता है, डीसी पंप वो शॉर्ट है, शॉर्ट है। तो भाई गाइस आप इनसे रब्ता जरूर कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। ये बच्चे हमारे इधर भाई, ये बच्चे दुकान के हैं, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम सेल में नहीं करते, बहुत अच्छी गाइड करते हैं। और कुछ भी अगर जैसे काम आप यहाँ पर आएँ तो भाई इन बच्चों से आप रब्ता भी कर सकते हैं, आपको सही गाइड बताएंगे। दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको रेट बताए यहाँ पर वही रेट यहाँ पर होते हैं, मैं कम रेट नहीं बताता अपने थंबनेल के अंदर, ये कम बताऊँ, और जब आप दुकान पे पहुँचे तो वो ज़्यादा बताएं। जो रेट यहाँ बताएं वही मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।